एसडीएम सदर नेहा बंधु ने पिपराइश नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों के साथ तहसील सदर के सभागार में बैठक की। इस अवसर पर एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए करना है। उन्होंने कहा, कोई भी प्रत्याशी जाति समुदायों और विभिन्न भाषा वाले लोगों के बीच मतभेद अथवा तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। वोट लेने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं करें। प्रत्याशियों के कार्यालय पर किसी प्रकार का भोज आयोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी मतदाता को प्रलोभन देकर वोट मांगने का कार्य नहीं करेंगे। किसी मस्जिद, चर्च, मंदिर और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि घूस मतदाताओं को घूस देने, मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करने, मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं आयोजित कराने पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी या उसके अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों पर झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने की अनुमति नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसकी सूचना दें, उसका निपटारा तत्काल किया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रचार प्रसार पर भी आचार संहिता लागू होती है, इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी ना करें। इस अवसर पर न्यायिक तहसीलदार सदर सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, थाना अध्यक्ष पिपराइश नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, आज नगर पंचायत पिपराइज में जो प्रत्याशी हैं उन लोगों के साथ और सारे अधिकारी, एआरओ, एसओ साहब, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के साथ चुनावी समय में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए सारे प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करी गई है। इसमें उनको आचार संहिता का पालन करने के लिए दिशा निर्देश किए गए हैं। जो भी उनके कन्फ्यूजन है, क्वेरीज हैं, उनका निराकरण किया गया है और यही प्रशासन और पुलिस की अपेक्षा है कि पूरा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। हमारी FST टीम, SST टीम भी लगी हुई है, तो सारे प्रत्याशियों को ये दिशा निर्देश किया गया है कि आचार संहिता का पालन करें, चुनाव प्रचार करें शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करें। प्रत्याशियों को कितनी गाड़ी यूज करने के लिए निर्देश दिए गए? अध्यक्ष पद के लिए 2 गाड़ियां अनुमन्य है, जिसकी अनुमति उनको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और जो सदस्य पद के लिए 1 गाड़ी का अनुमति उनको प्राप्त की जा सकती है। तो अगर कहीं से भी धागू या साड़ी या अन्य पैसे मतलब बांटने के अगर सूचना प्राप्त होते हैं या पुलिस का कार्य करता है तो उनको किस तरह से दंडित किया जाएगा? बिल्कुल, आचार संहिता के उल्लंघन करने के लिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके का पैसे बटना या फिर इस तरह का शराब बटना या इस तरह की कोई भी जानकारी मिलती है, हमारी FST टीम, SST टीम लगी हुई है, वो मूवेबल है, फ्लाइंग स्क्वाड भी लगा हुआ है। इसी तरह की कोई भी जानकारी आती है, उनके जो नंबर है हम पब्लिक रूमेन में छोड़ देंगे, उन पे जानकारी दी जा सकती है और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैंने दिशा निर्देश SO साहब को।